गोपाल मठ के बाहर जंगल में हम लोगों ने अपना सोना दबा दिया। समझ में नहीं आता था कि उसका क्या करें। मैं और मत्थु रोज अपने सोने को चूतिया माफिक देखने आ जाते थे। डरते थे कि बाहर ले जाएंगे तो कोई अपन को उड़ा देगा, और इसको इधर छोड़ेंगे तो कोई चुरा लेगा। क्या पता मत्थु ही ना चुरा ले। पता नहीं वो चीता मत्थु को बचाने आया था कि अपन को ये बताने कि कायतोंडे तो ये शहर का ही नहीं, ये जंगल का भी राजा है। उसकी आंख में बिना डरे देखा तो अपन को पहली बार लगा कि अपन भगवान है। वो अपन को बोला, बड़ा सोच, बंबई बहुत गीला है, निचोड़ ले इसको। साल था 1985। माँ मरी तो बेटा पीएम बन गया। पीएम बन के बोपोस का घोटाला किया। अपन सोचा जब देश में पीएम का ईमान नहीं तो अपन सीधे रास्ते चल के क्या करेगा। बंबई जीतने का प्लान अपने दिमाग में क्लियर था। पहले एक सेठ ढूंढो जो तुम्हारे काले सोने को सफेद करेगा। परितोष शाह अपुन का दोस्त भाई खजांची सब बना। पैसे के नाम पैसा दोस्ती हुआ जैसे हम एक गांड हंगते हों। एक बीवी तीन बच्चे छोटी सी दुकान। साला तिजोरी को अगरबत्ती दिखाता था। पैसा धर्म था उसका, और अपुन को मालूम था जिसका धर्म होता है उसको अपना सिपाही कैसे बनाने का। प्लान का अगला कदम था गैंग बनाने का। उधर नागपाड़ा मस्जिद बंदर में हर गली में गैंग था। तो अपुन इधर कैलाश पड़ा गया। इधर नए लड़के मिले, बड़ा बदरिया, लंबा चाड़ा, दिन में 5 टाइम नमाज, 10 टाइम बॉडी बिल्डिंग, और उसका भाई छोटा बदरिया, लंगोट का ढीला लेकिन बहुत वफादार। ले जाओ अपने भाई को, साला बिस्तर में उल्टी कर दिया है।